नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी के लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में, जिसमें हम पिछले 3 साल के कट ऑफ को देखेंगे, जिसमें 2020 के कट ऑफ को देखेंगे, 2019 के कट ऑफ को देखेंगे, 2018 के कट ऑफ को देखेंगे, प्रीलिम्स कट ऑफ को देखेंगे और फाइनल कट ऑफ को भी देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 65 BPSC 2019 में जिसका एग्जाम हुआ था, और 64 BPSC जिसका 2018 में एग्जाम हुआ था, और 2020 के भी बीपीएससी को हम देखेंगे। तो यहाँ देखिएगा, जनरल कैटेगरी कितना गया, 97 गया, और यहाँ भी 97 गया, मतलब सेम गया 64 में भी, 65 में भी। उसके बाद फीमेल का देखिएगा, फीमेल कैटेगरी में गया 91 नंबर, यहाँ 86 नंबर। एसटी कैटेगरी में 89 नंबर, 89 नंबर, दोनों में सेम है। एसटी फीमेल में 89 और यहाँ देखिएगा 80 नंबर, यहाँ थोड़ा कम देखने को मिला। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में 89 और यहाँ पे 84 देखने को मिला। एससी फीमेल में देखिएगा 85, एससी फीमेल में भी 89 है, नहीं 79 है, एससी फीमेल में 79 और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 69। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर है, यहाँ पे 10 नंबर का अंतर है। आगे देखिएगा बीसी, जिसको ओबीसी के नाम से भी जानेंगे हम लोग, 94 93 और यहाँ पे फीमेल में देखिएगा 88 88 82। उसके बाद अगर हम बात करें आगे ईबीसी में, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन में, जिनका इनकम 50,000 से कम होता है उनके लिए शायद, तो 92 नंबर, 90 नंबर, और ईबीसी फीमेल हो जाएगी 76 नंबर, 76 नंबर, 76 मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस का भी था 2019 में, तो यहाँ पे 92 नंबर और यहाँ ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो इसका कोई कटअप नहीं है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का देखिएगा केवल 87 नंबर। तो ये तो हो गया, दोनों में कंपेयर किया हमने कि 2019 में कितना गया था, 2018 में कितना गया था। अब हम देख लेते हैं 2020 का कितना गया था। ठीक है, तो उससे पहले बाकी इस कैटेगरी को पूरा करते हैं। तो बीसीएल 86 नंबर, 79 नंबर 2018 में। उसके बाद पीडब्ल्यूडी का देख लीजिएगा आप, वीआई और वीएच का तो 82 नंबर, 74 नंबर, और एमडी कैटेगरी का देखिएगा पीडब्ल्यूडी में तो 53 नंबर, 50 नंबर। ठीक है, और फ्रीडम फाइटर के आप बच्चे हैं तो 88 नंबर और 82 नंबर कट ऑफ गया था। डीडी 81 63 है, ओएच 79 89 84। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों देखिएगा 66 बीपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ है मार्क्स, जो लास्ट ईयर 2020 का एग्जाम हुआ था। इसे मैं क्या करता हूँ, 2020 यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको छोटा करके 2020 आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, 2020 2020 का ये कट ऑफ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कितना कट ऑफ गया, यूआर कैटेगरी 108 नंबर, जो 2020 में क्या हुआ, कट ऑफ ज़्यादा चला गया। इस बार भी 110 नंबर 108 नंबर जाने का पूरा पूरा उम्मीद है, और ये मैं बता दूँ 150 नंबर में से गया हुआ है। ठीक है ना, ये 150 नंबर में से गया हुआ है 108 नंबर। फीमेल कैटेगरी देखिएगा 100 नंबर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखिएगा 103 नंबर। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा राहत है, फीमेल कैटेगरी थोड़ा सा राहत है, फीमेल आप हैं तो कट ऑफ कम जाएगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो 95 नंबर। उसके बाद देखिएगा एससी देखिएगा 95 नंबर, उसके बाद एससी फीमेल देखिएगा 84 नंबर, उसके बाद एसटी देखिएगा 98 नंबर, उसके बाद ईबीसी देखिएगा 102 नंबर, उसके बाद यहाँ पे ईबीसी फीमेल देखिएगा 93 नंबर। उसके बाद अगर हम बात करें बीसी ओबीसी भी बोलेंगे इसको, 104 नंबर, बीसी फीमेल 97 नंबर। तो फीमेल को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, बीसीएल को 95 नंबर लाना था। और उसके बाद देखिएगा वीआई ओबीसी ने जो दिव्यांग की कैटेगरी है उसमें 89 नंबर। उसके बाद यहाँ डीडीडी में हो गया 81 नंबर दिव्यांग कैटेगरी का, ओएच में देखिएगा 95 नंबर, उसके बाद यहाँ देखिएगा 61 नंबर। एमडी कैटेगरी फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं तो 97 नंबर है, कट ऑफ गया था आपका, और ये हो गया प्रीलिम्स का कट ऑफ। तो देख सकते हैं यहाँ कट ऑफ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 110 के आसपास सेफ है जनरल कैटेगरी के लिए, तो वही टारगेट सभी कैटेगरी को लेकर चलना होगा। आगे देखिएगा, ये है बीपीएससी 64 सेंट्रल फाइनल कट ऑफ मार्क्स है। ठीक है ना, तो ये देखिएगा यहाँ पे देखिएगा यूआर कैटेगरी फीमेल, यूआर कैटेगरी मेल देखिएगा 446 नंबर, ये रिटन एग्जाम का है, जो एग्जाम होता है 900 में से 446, मतलब 50% आपको लाना था। यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था कितने पे, फाइनल सिलेक्शन हुआ था 535 पे। ठीक है,
तो ये कितने में से है? 1020 में से है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे स्पेस हमारे पास है नहीं, इसको मैं छोटा करके यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि ये जो रिटन एग्जाम हुआ था ये 900 में हुआ था, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री। अब पेपर वन में आप लोगों को पता है क्या होता है, पेपर वन में होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1020, क्योंकि 120 नंबर का इंटरव्यू भी होता है, जो टोटल 1020 में से 535 गया हुआ है। तो यहाँ पेपर वन होता है, दो जीएस होते हैं, पहला जीएस वर्ल्ड मतलब पूरे भारत का होता है, उसके बाद दूसरा जीएस में बिहार भी शामिल होता है, तो वो 300 300 नंबर के होते हैं पेपर वन और पेपर टू। और तीसरा पेपर वैकल्पिक होता है, जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट अपने हिसाब से चुन सकते हैं और उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो वही क्या करता है, वही सेक्शन कट ऑफ को हाई करता है, तीसरा वाला सेक्शन। चलिए फीमेल कैटेगरी देखिएगा, 430 नंबर, 513 नंबर फीमेल कैटेगरी। एससी कैटेगरी देखिएगा, 379 नंबर, 490 नंबर यहाँ पे कट ऑफ गया। उसके बाद एससी फीमेल देखिएगा, 367 नंबर, 473 नंबर यहाँ कट ऑफ गया। उसके बाद एसटी देखिएगा, 412 नंबर, 514 नंबर यहाँ कट ऑफ गया। फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, फाइनल कट ऑफ है, ये 900 में से मैं बता रहा हूँ। एसटी फीमेल में देखिएगा कितना गया, 389 नंबर, और यहाँ 513 नंबर फाइनल कट ऑफ देखने को मिला। तो फाइनल कट ऑफ हर जगह आपको 500 के आसपास ही देखने को मिल रहा है, केवल एससी फीमेल कम है, यूआर फीमेल 513 नंबर है। ईबीसी देखिएगा, 406 नंबर, 516 नंबर, ठीक है, आगे देखिएगा, मतलब 535 का टारगेट सभी को लेकर चलना है। ईबीसी देखिएगा, 386 नंबर, 495 नंबर, और बीसी देखिएगा, 430 नंबर, 535 नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बीसी फीमेल देखिएगा, 415 नंबर, 511 नंबर। उसके बाद बीसीएल देखिएगा, 400 नंबर, और यहाँ 510 नंबर। और उसके बाद यहाँ देखिएगा वीआई देखिएगा, 343 नंबर, 460 नंबर। उसके बाद देखिएगा डीडी देखिएगा, 330 नंबर, और यहाँ 423 नंबर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ओएस देखिएगा, 380 नंबर, 500 नंबर। उसके बाद अगर हम बात करें एमडी देखिएगा, 308 नंबर, 368 नंबर। उसके बाद देखिएगा फ्रीडम फाइटर, 400 नंबर, 517 नंबर। जितने भी कैटेगरी के कटअप थे वो हमने आपको बता दिया यहाँ पे, और ये हमने प्रीलिम्स का भी बताया, मेंस का भी बताया। तो इसका मतलब टारगेट क्या हुआ आपका, टारगेट होना चाहिए 110 नंबर का टारगेट होना चाहिए इस साल, लगभग 60% का टारगेट कीजिए, 150 में से नहीं 70%, 70 से भी ज़्यादा, 110 नंबर से हो सकते हैं 75% के लगभग आपको कट ऑफ चला गया इस बार। तो 175 मतलब 110 नंबर तक का टारगेट कीजिए, आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है, कट ऑफ हाई जा सकता है इस बार भी, क्योंकि अब जो है ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।